वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 8 नवंबर 2022 और 8 नवंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे में से हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्कशन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। कैंसर की पहचान करने और इसके शीघ्र निदान तथा रोकथाम के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 7 नवंबर को ये राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 7 नवंबर को ही युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया था और 7 भारतीय राज्यों का और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को मनाया गया। ये 7 भारतीय राज्य हैं, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। इनका स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया गया। 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती मनाई गई। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। तो अब तक नवंबर में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है? तो अभी मुंबई ने हिमाचल प्रदेश की टीम को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये घरेलू क्रिकेट की ट्रॉफी है और T20 क्रिकेट की ट्रॉफी है। इसे अभी पहली बार मुंबई की टीम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कब जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इस साल आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में ये जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए इस साल ये जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो अभी रूस अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना। अब रूस बना तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, अभी फाइनेंस ईयर 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है। व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स फिलिप शॉर्ट के द्वारा लिखी गई। रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है। अच्छा, 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फास्फेट खाद आपूर्तिकर्ता रूस बना है। रूस में उरल के पहाड़ है, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ? तो अभी दुबई में प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है।
और इन पुस्तकों का विमोचन कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया है। अच्छा, इन दो पुस्तकों का नाम क्या है? एक पुस्तक है मोदी एट द रेट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी और दूसरी पुस्तक है हार्ट फेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ। तो ये दो पुस्तकें हैं, इनका विमोचन अभी दुबई में हुआ है। अच्छा, अभी फ्रांसीसी लेखक रेने नाबा ने नई पुस्तक न्यूक्लियरिजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया। हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी और डॉक्टर बिमल जालान ने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी सूर्य कुमार यादव एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये हैं सूर्य कुमार यादव। अच्छा, इनसे रिलेटेड एक ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, सूर्य कुमार यादव दुनिया के नंबर वन T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज भी बन गए हैं। अभी ICC T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने थे। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी भी विराट कोहली बने हैं। अच्छा, इस हैट्रिक लेने का क्या मतलब है? इन्होंने 3 T20 वर्ल्ड कप में 50-50 रन की हैट्रिक बनाई है। 3 T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक बनाने वाले ये पहले खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? तो अभी उज्जैन में दुनिया की पहली घड़ी जंतर मंतर पर लगाई जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। काल गणना का केंद्र माना जाता है उज्जैन और यहीं पर दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन कहाँ हुआ है? तो अभी मेघालय के उमियमम झील में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये राइजिंग सन वाटर फेस्ट क्या था? एक तरह की स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी। अब इसका समापन मेघालय में हुआ, तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनरेड संगमा। और मेघालय के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बेडी मिश्रा। अच्छा, अभी मेघालय के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया। मेघालय में स्थित मोमलू गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है। मेघा कयाक महोत्सव 2022 मेघालय में शुरू हुआ। मेघालय ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है। डीपी बहलोंग मेघालय के नए मुख्य सचिव बने हैं और बांस में रहने वाले चमगादड़ की नई प्रजाति मेघालय में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अभी नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पाकिस्तान के हैं तैयब इकराम, ये एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये हैं तैयब इकराम। अब ये एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बन गए हैं। अच्छा, अभी किशोर रेड्डी को वर्ष 2022-23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। केबी कामत को 5 साल के लिए रिलायंस इंडिया लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। BPCL के नए MD एंड चेयरमैन बने हैं BR कृष्ण गुप्ता और AASL के नए CEO बने हैं विशाल कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो अभी गुयाना के राष्ट्रपति 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, ये हैं गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में चीफ गेस्ट होंगे। अच्छा, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन
8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रोफेसर किशोर कुमार बासा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये हैं प्रोफेसर किशोर कुमार बासा। अब यही राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, फेके के नए अध्यक्ष सुब्रकांत पांडा चुने गए। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष एके गोयल चुने गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में सैफ अली जुनेजा को नामित किया गया। भारत सरकार ने अरमाने गिरधर को रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया है। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के सीईओ के रूप में अरुण बंसल को नियुक्त किया गया है। ये अभी रिसेंट के अपॉइंटमेंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो अभी केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, केरल ने अपनी सिटी सर्कुलर सर्विस और ग्राम मंडी परियोजना के लिए ये सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का पुरस्कार जीता है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की। केरल सरकार ने 1,00,000 छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। केरल ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। 1 नवंबर को केरल का स्थापना दिवस केरल पेरवी दिवस के रूप में मनाया गया। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पम्बड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी केरल में है। अच्छा, केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहाँ वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 में भाग लिया है? तो अभी अपने देश भारत ने लंदन में वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 में पार्टिसिपेट किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनियों में से एक है वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट, इसमें इंडिया ने लंदन में पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, इस बार की वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट की थीम क्या है? इस बार की थीम है द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्ट्स नाउ। क्या है? द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्ट्स नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो प्रमोद भगत, इन्होंने टोक्यो में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, ये हैं प्रमोद भगत। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग कार्यक्रम अनिवार्य किया है? तो अभी कर्नाटक ने अपने स्कूली छात्रों के लिए 10 मिनट का योग नामक एक प्रोसेस को अनिवार्य कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल चालू खाता लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन, विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना, आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है,
तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो, और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।